ओके गाइस, सो टुडे इट्स अवर आई थिंक 10th टेन सेशन। ठीक है, तो 10th सेशन आज हमारा, और आज हम कंटिन्यू करेंगे विद आज हम अच्छा आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम मैंने वैसे क्या किया था, ऐप कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी थी, यूआरएल हेल्पर्स हमने देखे थे, ये दो चीज़ें हमने लास्ट टाइम देखी थी, और उसके बाद आखिर में भी आई थिंक दो तीन छोटे कॉन्सेप्ट देखे थे। आज हम कंटिन्यू करेंगे विद ये पेजिनेशन। हम लोग आज देखेंगे कि यार पेजिनेशन किस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और सिंगलटन भी, ऑब्वियसली आज हम सिंगलटन भी देखेंगे, ठीक है, अगर इसके बाद हमें टाइम मिल सका। या पहले काम करते हैं, पहले सिंगलटन देखते हैं, सिंगलटन किस तरह से अप्लाई कर ठीक सकते है हैं, तो ठीक है। आपने पहले सबसे हाँ, पहले पहले सिंगलटन करेंगे क्योंकि वो अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद पेजिनेशन, और पेजिनेशन करेंगे, फिर पेजिनेशन से रिलेटेड ही एक और हम लोग देखेंगे कि जेक्यूरी की लाइब्रेरी अगर हमें कोई यूज़ करनी है अपने पास, तो वो किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू सी व्हाट सिंगलटन इज़, ठीक है। हमने सोर्स कोड अपने पास ऑलरेडी ओपन कर लिया यहाँ पे। अच्छा, सिंगलटन का नाम सुन के क्या माइंड में आता है, सिंगलटन का क्या मतलब है, सिंगलटन है क्या? मैंने थोड़ा बहुत सुना है बताओ। ऑब्जेक्ट रहते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी चीज़ के अपने, तो एक ही बार हम वो बना लें, उसका कोई इंस्टेंस होगा, वो उसको हर जगह भी यूज़ करेंगे, बार बार ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा हमें, इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट है क्या? अगर हाँ वो सही गूगल से समझा अच्छा देखो, मैं बताता हूँ, कोई मैं बताता हूँ, जैसे भी ये भाई नहीं बताया, देखो हमारे पास डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। डिज़ाइन पैटर्न्स बिल्कुल ऊपर से बताऊँगा, ये ऑलरेडी ना बहुत सारे, क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत लंबे अरसे से चल रही है, ठीक है, 20 25 30 साल, 35 साल, 40 साल हो चुके हैं। तो अब इतने टाइम में ना लोगों ने बहुत सारी, इतने प्रोजेक्ट बनाए, इतनी डेवलपमेंट किए कि उनको समझ आए कि यार कोई भी, मतलब हमें अगर चीज़ डेवलप करनी है ना, तो वो ऑलरेडी इतनी दफ़ा कर चुके हैं कि उन्होंने उसको स्टैंडर्ड ही बना दिया कि यार ये चीज़ अब बनाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। एक तरह की डिज़ाइन पैटर्न कह सकते हैं उसको, डिज़ाइन पैटर्न ही कहते हैं उसको। और सबसे मशहूर आपने अगर नाम सुना हो, गैंग ऑफ फोर डिज़ाइन पैटर्न्स, मतलब वो फोर कैटेगरीज के अंदर उन्होंने डाल दिए डिज़ाइन पैटर्न्स को, तकरीबन कोई 12 हैं या समथिंग 16 हैं, मुझे एग्जैक्टली भी ना नंबर याद नहीं आ रहा उनका, बहुत सारे इस समय डिज़ाइन पैटर्न्स हैं, ठीक है। और इवन कुछ तो सॉफ्टवेयर हाउस के अपने डिज़ाइन पैटर्न्स भी होते हैं कि यार वो लोग कहते हैं हम इस तरह डेवलप करेंगे, इस तरह डेवलप करेंगे, लेकिन कुछ यूनिवर्सल हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होते हैं, गैंग ऑफ फोर, ठीक है। उनके अंदर एक सबसे मशहूर है सिंगलटन, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, इसको कहते हैं सिंगलटन। सिंगलटन का सिनेरियो ये है कि अगर जैसे हमारे पास, अगर नोट करोगे, हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जो कि हमने पूरी प्रोजेक्ट के अंदर जगह जगह पे बार बार यूज़ करनी है, ठीक है, तो उनको हम एज अ सिंगल टन बना लेते हैं। सिंगल टन क्या हमें हेल्प करता है कि यार ऑब्जेक्ट एक दफ़ा बना लो, उसको रीयूज़ कर लो बार बार, ठीक है। मतलब ये नहीं होगा कि आपने, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर मैं सर्विस वाले में तुम्हें दिखाऊं, इधर सबसे ज़्यादा हमें जो चीज़ हो रही है, हमने यहाँ पे कैटेगरी कंट्रोलर में आते हैं, कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर देखो यहाँ हमने ये बनाया हुआ है ऑब्जेक्ट कैटेगरी सर्विस, ठीक है। वैसे तो, और शुरू में भी हमने, अगर तुम नोट करोगे, शुरू में हमने इसको हर एक्शन के अंदर रखा हुआ था ना, अलग अलग से, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, अब ये ना बार बार एक तरह से यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है कैटेगरी सर्विस, ठीक है। अगर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट में आते हैं, आई थिंक प्रोडक्ट में भी हमने एक जगह यूज़ किया हुआ है कैटेगरी सर्विस, ठीक है। और अगर तुम्हें याद हो, हमने लास्ट टाइम जो हमने काम किया था, हमने व्यू के अंदर भी वो बनाई थी, कॉन्फ़िग सर्विस बनाई थी, कहाँ है हमारे पास, हाँ ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आऊँ लेआउट में, मैंने यहाँ पे भी कॉन्फ़िगरेशन सर्विस, ये मतलब अलग अलग क्लासेस है, कॉन्फ़िगरेशन सर्विस एक अलग क्लास है, लेकिन हमने यहाँ पे यूज़ किया उसको, नहीं, ये असल में वो सेंस हो जाएगा उसको, ठीक है। तो ये ऐसी क्लासें हैं जो कि हमें बार बार, यहाँ पे देखो इसका ऑब्जेक्ट दो दफ़ा नीचे यूज़ हो रहा होगा, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सर्विस डॉट गेट कॉन्फ़िग, और ये एक हमने ऊपर भी एक जगह यूज़ किया था, हाँ ये रहा, ठीक है, इस तरह से। तो ये एक तरह का, ये ऑब्जेक्ट दो दफ़ा यूज़ हो रहा है, और हमने इसके लिए अलहदा से यहाँ पे ऊपर एक ये ऑब्जेक्ट बना के रखा है, इनिशलाइज यहाँ पे किया हुआ है उसको। इस तरह की चीज़ होगी ना, जहाँ पे हम लोग ये बार बार ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास को सिंगलटन बना लेते हैं। सिंगलटन क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट इस तरह से बनाना खुद नहीं पड़ेगा, वो उसका ऑब्जेक्ट वो खुद हैंडल करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ये कह सकते हो, ठीक है। मैंने बिल्कुल ऊपर से बताया, इसकी थोड़ी डिटेल में जाओगे तो तुम्हें ज़्यादा सही से पता चल सकेगा, सही है। हम एक काम करते हैं, ये यहीं से ना उठा, अच्छा सबसे पहले मैं बताता हूँ इसको बनाना कैसे है। इसमें ये नॉर्मली होता क्या है, इंटरव्यू में भी आपके सामने रख देते हैं कि यार ये बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, हाँ नज़र आ रहा है। अच्छा ये सभी, ये क्लास है कॉन्फ़िगरेशन सर्विस, मैं लेट्स सपोज इसको सिंगल टन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी कॉन्फ़िगरेशन सर्विस क्लास है। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन जो जो सिंगल टन क्लास होती है ना, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, तुम्हें डायरेक्ट पता चल सकता है
ये कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का पता होगा, क्लास का एक होते हैं, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। सिंगल टन का जो कंस्ट्रक्टर होता है वो हमेशा प्राइवेट होता है। जो जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये आपको हेल्प करता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन में, ठीक है। मुझे लेट्स सपोज इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो जो बनाना होता है ना हमने, जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ, ये देखो कॉन्फ़िगरेशन सर्विस इक्वल्स टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन, ये जो होता है ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है, ठीक है। दिस इज दिस कंस्ट्रक्टर, ये देखो अगर मैं इसको होवर भी करूँगा तो ये बताएगा इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, पब्लिक होता है, मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। अब जब ये प्राइवेट कर दिया है तो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बाहर कहीं और नहीं बन सकता, ये मैं यहाँ पे इस तरह से नहीं कर सकता, अब ये ऑब्जेक्ट बनेगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन किसी और जगह से नहीं होगी, अब वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ही हैंडल हो सकती है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, ये कंस्ट्रक्टर को ऐसे ही रख देते हैं, सही है, इधर आते हैं और मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इस क्लास का अपना ऑब्जेक्ट, सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो, और इसको मैं बनाने लगा हूँ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक होगा कॉन्फ़िगरेशन सर्विस, ठीक है, और लेट्स गिव इट अ नेम, इंस्टेंस दे दो नॉर्मली, क्योंकि स्टैंडर्ड यही फॉलो होते हैं, इसको इंस्टेंस कह देते हैं लोग, ठीक है, इस तरह से। गेट सेट लगाना है तो गेट सेट लगा दो इसके साथ, गेट सेट, ठीक है। अच्छा ये है पब्लिक, सही है। अब मैं एक बना रहा हूँ प्राइवेट, ओके गाइस, हाँ यार वो उसमें रह गया मेरे से इंस्टेंस, ठीक है, एक सेकंड रुकना यार, ठीक है, ये हमने बना लिए दो ऑब्जेक्ट। अब मुझे करना क्या है, इसमें से एक ऑब्जेक्ट को मुझे वैल्यू असाइन करनी है, ताकि जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बने मैं उसको असाइन कर दूँ। देखो मैं बताता हूँ, ये है ना कॉन्फ़िगरेशन सर्विस इक्वल्स टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन सर्विस, मैं इसकी जगह अब ये काम कर सकता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन सर्विस डॉट, इस तरह एक्सेसिबल है कि नहीं, पब्लिक स्टैटिक भी करना पड़ेगा उसको, एक मिनट काम करते हैं, गूगल से ओपन ही कर लेते हैं, मुझे एग्जैक्ट सारा सिंटैक्स उसका याद नहीं है। सिंगल टन डिज़ाइन पैटर्न, डिजाइन पैटर्न सिंगलटन, हाँ स्टेटिक होगा, ठीक है, और इंस्टेंस यहाँ पे इसने असाइन किया, इसको यहाँ असाइन नहीं करना चाहिए, इसको अलग रखना चाहिए, सी शार्प। हमने पूरी अरगाम में ना जहाँ जहाँ भी हमने डेवलपमेंट की है, जितनी भी सर्विसेज है ना हमारी, वो इस तरह से सिंगलटन है, इसीलिए मैं भी नॉर्मली जो सर्विसेज होती है उनको सिंगलटन ही रखता हूँ अपने पास। ये हाँ मैंने बंद किया फिलहाल, ये ऑन कर देते हैं थोड़ा सा, ये सर्दी लगने लगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो हैं, एक प्राइवेट है, ठीक है, उसको नल रखा, सही है, ठीक है, और सेकंड हमारे पास जो पब्लिक है ना, दोनों दोनों स्टैटिक हो गए। अच्छा स्टैटिक की वजह क्या है, ये भी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, स्टैटिक पहले इसको लिख लूँ कोड, ठीक है। मैंने दो बनाए हैं, दो ऑब्जेक्ट, एक मैंने पब्लिक रखा है, एक प्राइवेट रखा है। अब जब भी मुझे मैं इसका ऑब्जेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करूँगा ना, वो ये पब्लिक वाला होगा, ठीक है, और इस तरह से फिर हम लोग, और ये जो पब्लिक है ना, हाँ अभी देखो यहाँ पे ना इसमें दोनों मेरे पास गेट और सेट दोनों है। अच्छा ये करते क्या, गेट सेट का पता है, अगर मैं लेट्स सपोज ये दोनों यूज़ नहीं करता, मैं इसको ऐसे ही मतलब नहीं, अगर मैं ये गेट सेट ना लगाऊं तो ये होते हैं बाय डिफॉल्ट, ये होते हैं बाय डिफॉल्ट, हाँ ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा ये करते क्या है, अगर मैं ये सेट ना लिखूं इसके साथ, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी वैल्यू सिर्फ हमेशा गेट कर सकते हो, उसको कभी वैल्यू असाइन नहीं कर सकोगे, ओके। सो मैं ये बता रहा था कि जैसे हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग ये दोनों यूज़ ना करें ना, मतलब ये गेट और सेट हम ये ना लगाएं, तो ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं। अगर मैं ये गेट लगा देता हूँ इसके साथ और सेट नहीं लगाता, इसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट होगा या ये भी जो भी प्रॉपर्टी होगी क्लास की, ये मैं हमेशा सिर्फ और सिर्फ गेट कर सकता हूँ, इन अ सेंस लाइक दिस, मतलब अभी गेट इन अ सेंस लाइक, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करने की कोशिश करूँ, ये इसका नाम इंस्टेंस है, ठीक है, इंस्टेंस। अगर देखो मैं इसको इक्वल्स टू करता हूँ, ये मुझे इक्वल्स नहीं करने देगा, क्यों, क्योंकि सेट नहीं कर सकता इसको मैं,
is cannot be assigned to, it is read only. ये जो है इसके पास सेट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सेट नहीं अलाउ करेगा. इट कैन ओनली मतलब ये जो है आपको सिर्फ और सिर्फ रिट्रीव करके देगा, गेट कर गेट अलाउ करेगा. ठीक है, लाइक दिस, लाइक इफ आई वांट इट टू बी वेरिएबल ओबीजे इक्वल्स टू इंस्टेंस लाइक दिस. ठीक है, सो ये जो मेरा ऑब्जेक्ट ना, ये सिर्फ उसको इंस्टेंस एक्सेस कर सकते हैं. लेट्स सपोज अगर मैं इसको गेट असाइन नहीं करता, सिर्फ और सेट कर देता हूँ, तो क्या होगा, अब ये मैं सेट भी नहीं कर सकता. ठीक है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसको गेट कर सकता हूँ, वो सेट कर सकता हूँ उसको, लाइक प्रॉपर्टी उसको साइन कर. क्या कह रहे हैं, ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज मस्ट हैव गेट एक्सेसर. हाँ ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज मस्ट हैव गेट एक्सेसर्स. चलो खैर, इसको इसको बाद में देखेंगे. ठीक है, ये क्या कह रहा है इसमें, लेकिन ये है कि अगर मैं सिर्फ सेट उसको अलाउ करूँगा तो ये वैल्यू हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेट हो सकेगी. ठीक है, अगर उसमें गेट नहीं है. अब हमें क्या चाहिए, फिलहाल हम चाह रहे हैं कि यार इस पर सिर्फ गेट हो, सेट की प्रॉपर्टी ना हो, क्योंकि ये हमने दूसरी क्लासों के अंदर एक्सेस करना है. ठीक है, सो इट विल ओनली अलाउ अस एक्सेस. ओके, सो हम इसको ना सिर्फ और सिर्फ गेट कर सकते हैं. ये प्रॉपर्टी गेट इसलिए बनाई गई है कि इसको दूसरी क्लासे के अंदर गेट किया जा सके, सेट ना किया जा सके इस तरह से. ठीक है, अच्छा अब ये जो प्राइवेट वाला रखा गया है, ये प्राइवेट वाला दूसरी क्लास किसी क्लास में तो एक्सेसिबल होगा नहीं, तो हमने सिर्फ इसको जो है ना यहाँ पे रखना है, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ पे साइन करनी है. सही है, तो यहाँ पर आते हैं. अच्छा अब ये गेट का है ना, ये भी काम कर सकते हो कि यार ये जो गेट है यहीं से मैं बना के ऑलरेडी भेज के दूँ इसको, मतलब इसकी प्रॉपर्टी जो होगी गेट जो है, गेट में जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ इस तरह से. हाँ ठीक है, ये भी मैं काम कर सकता हूँ कि यहीं से ना जो ये वैल्यू जो वापसी रिटर्न करेगा ना किसी को गेट पे, जैसे भी यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी. सही है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू इंस्टेंस, ये वैल्यू भी यहाँ से मैं ऑलरेडी बना के भेजूँ इसको. सही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको कह रहा हूँ कि यार चेक करो ये जो हमारे पास इंस्टेंस है ना, ये अगर नल नहीं है राइट नाउ, जब फर्स्ट टाइम लोड होगा हमारे पास क्या होगी, ये वैल्यू नल होगी. ठीक है, तो मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, इफ़ इक्वल्स टू नल है, अगर ये नल है तो फिर क्या कर दो, इसको सिंपल एक इंस्टेंस असाइन कर दो. इंस्टेंस को, अरे यार, इंस्टेंस इक्वल्स टू न्यू कॉन्फ़िगरेशन सर्विस. ठीक है, अदरवाइज फिर इसके बाद जो है ना एल्स में हमने नहीं लगाया, और यहाँ से हम डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं इंस्टेंस. ये बताता हूँ अभी ये क्या किया, अगर इसको लॉजिक को अगर थोड़ा देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ आएगी. देखो बात सुनो, ये तो हमारे पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है, इसको इसी कन्फ्यूजन छोड़ दो. दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, एक है पब्लिक एक है प्राइवेट. ठीक है, प्राइवेट वाले के ऊपर हमने बस इस तरह से उसका नाम रखा है छोटा इंस्टेंस, यार मैं उसको रख देता हूँ प्राइवेट इन मेमोरी स्टेटस या इन मेमोरी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये कह देता हूँ इसको मैं, ताकि दोनों में थोड़ा सा तुम लोगों को कन्फ्यूजन. ये अभी ना एक प्राइवेट ऑब्जेक्ट है, अभी फिलहाल इन मेमोरी नहीं है, मैंने इसको नाम दे दिया इन मेमोरी. ठीक है, और ये जो है ना इसको नाम, इसका नाम चेंज करते हैं, इसका नाम रखते हैं क्लास ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये मैंने नाम रख दिया इसको क्लास ऑब्जेक्ट. अब मैं अगर इसको इसको देखता हूँ, इसमें क्या है, हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ गेट कर सकता है, इसको आप सिर्फ और सिर्फ गेट कर सकते हो, हमेशा सेट नहीं कर सकते. ठीक है, गेट के सिनेरियो में ये क्या कर रहा है, गेट में ये रिटर्न करेगा आपको कुछ ना कुछ. ठीक है, उसमें ये कह रहे हैं आपको कि यार ये चेक करो कि ये जो प्राइवेट इन मेमोरी ऑब्जेक्ट है ना, ये चेक करो ये ऑलरेडी इसकी वैल्यू कोई बनी हुई तो नहीं है, इसको वैल्यू ऑलरेडी कोई ऑब्जेक्ट नहीं स्लैश करके दिया हुआ तो नहीं है, अगर नहीं दिया होगा तो नल होगा ना, तो नल के सिनेरियो में ये एक ऑब्जेक्ट नया बना देगा, इसको असाइन कर देगा इन मेमोरी ऑब्जेक्ट को. क्या कर दिया इसने, न्यू कॉन्फ़िगरेशन सर्विस दे दी, और फिर क्या किया है, इसने रिटर्न कर दिया प्राइवेट इन मेमोरी ऑब्जेक्ट. अच्छा अब ये बात करते हैं, ये स्टेटिक क्यों लगाया है यहाँ पे, स्टेटिक लगाने से क्या होता है, स्टेटिक की किसी को लॉजिक पता है, स्टेटिक का कीवर्ड क्यों यूज़ करते हैं किसी भी, अभी हमने यहाँ पे स्टेटिक यूज़ किया है, हम लोग नॉर्मली अगर तुम कुछ जगह पे देखोगे हम लोग स्टेटिक रख देते हैं उसको, सेफ रहे मेरे ख्याल से. ये ना आप, ये आपके स्टेटिक हम काउंटर को करते हैं ना, जैसे काउंटर कहीं ओवरऑल यूज हो रहा होता है.
काउंटर कह सकते हो, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ होगी, नॉर्मली क्या होता है आपका, आपकी क्लास का, आपको पता होगा, एक होता है कंस्ट्रक्टर, एक होता है डिस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट भी आपको क्रिएट करके देते हैं और जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड चीज़ें आपने उसके अंदर बनानी होती हैं वो भी। जैसे भी हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये रहा, ठीक है। अगर हमें कुछ और काम करना होगा तो हम लोग यहाँ पे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमने कोई काम नहीं किया, हमने इसको बस सिर्फ प्राइवेट मार्क किया है अपने पास, ठीक है। जो डिस्ट्रक्टर होता है वो क्या करता है, डिस्ट्रक्टर ये करता है, देखते हैं कि यार ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं यूज़ तो नहीं हो रहा सिस्टम के अंदर, या किसी भी जगह पे यूज़ तो नहीं हो रहा। अगर कहीं यूज़ हो रहा होता है तो फिर तो वो छेड़ता नहीं है। जैसे ही वो ये नोट करता है कि यार ये इस क्लास का अभी और कोई यूज़ नहीं बचा, वो उसको डिस्पोज कर देता है, उसको मेमोरी, उसकी मेमोरी ख़त्म कर देता है, ताकि मेमोरी हमारे पास निकल आए, सही है। जो स्टेटिक होता है, स्टेटिक में आप ये कर देते हो कि यार उसको ना मेमोरी के अंदर रखवा देते हो, चाहे वो अभी कहीं यूज़ हो रहा हो या ना यूज़ हो रहा हो, वो बस मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है जाके, ठीक है। तो स्टेटिक से ना बस वो डिस्पोज नहीं करता आपके ऑब्जेक्ट को, डिस्ट्रक्टर ये समझ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और भी इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो कि यार इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन मुझे बस ये थोड़ा आइडिया है कि ये मेमोरी के अंदर आपके पास सेव हो जाता है, सही है, और डिस्पोज नहीं होता। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास प्राइवेट वाला, इसको स्टेटिक हमने मार्क कर दिया था, ठीक है। अब क्या होगा, ये इन मेमोरी में, ये सेव हो जाता है ऑब्जेक्ट। जो भी मैं इसको ये न्यू सर्विस, न्यू कॉन्फ़िगरेशन सर्विस, जो भी मैं न्यू इस पे असाइन करवाता हूँ ना, वो इसके अंदर जाके मेमोरी में सेव हो जाती है। फर्स्ट टाइम क्या होता है, फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना ही नहीं था, जब हमने फर्स्ट टाइम इसको एक्सेस करने की कोशिश की होगी, तो मेमोरी में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका, तो वो सिंपल क्या करेगा, उसको यहाँ पे चेक लगा दिया हमने, चेक लगाने से क्या होगा, वो उसको असाइन कर देगा। असाइन करने का नेक्स्ट टाइम जब भी हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, वो हमेशा मेमोरी से निकाल के हमें देगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ आपको, इधर आते हैं और अच्छा इसमें तो MVC में बगैर उसके होता है, हाँ वेब फॉर्म्स में, ठीक सही। अच्छा अब यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ पर आते हैं जहाँ पर हमने ये बना रखे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस, क्या ख्याल है, प्रोडक्ट सर्विस के अंदर जाके बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट, सही है। कॉपी मार देते हैं यार, ताकि क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास वहाँ यूज़ में है ना, तो हम उसको, हाँ ये भी देखता हूँ मैं, ज़रा इधर से हटा देते हैं, ताकि फ़िलहाल हमारा लेआउट तो मेन चले, ठीक है। कमेंट आउट कर रहा हूँ, और जो हमारी प्रोडक्ट सर्विस जो है ना, उसमें जाके अप्लाई कर रहा हूँ। वेयर इज़ आवर प्रोडक्ट सर्विस, हियर, सही है। तो यहाँ पर अभी हमने वो सिंगल टन नहीं लगाया हुआ, मैं इसको सिंगल टन बना रहा हूँ। सिंगल टन के लिए वही सिंपल, बस यही सिंटैक्स यूज़ करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ इस क्लास के ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है, ये नथिंग एल्स, ठीक है, ये सिंगल टन बन जाएगी। अब इधर आते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में, यहाँ पर देखो, अब ये आपको देगा एरर, सही है। इसका मतलब है आप इसका ऑब्जेक्ट अब इस तरह से नहीं बना सकते। अब मैं अगर इसका ऑब्जेक्ट इस तरह से नहीं बना सकता, तो अब मैं क्या करूँ, जहाँ जहाँ मैंने इसको यूज़ किया है वहाँ पर तो मेरे पास इस तरह एरर दे देगा कि भाई प्रोडक्ट सर्विस आप यूज़ नहीं कर सकते। तो अब आप ये करोगे, सिंपल प्रोडक्ट सर्विस जो भी आपकी वो है, डॉट क्लास ऑब्जेक्ट, सिंपल आप डायरेक्टली गेट प्रोडक्ट्स। तो अब आपको इसके लिए ना इस तरह से लाया, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं बनाना पड़ा, बस वहीं डायरेक्ट, हाँ डायरेक्टली उसी लाइन के अंदर ही वहीं पे हो जाएगा। ये संभाल लेगा कि यार ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो वही मेमोरी से उठा के ला के दे देगा। अगर मेमोरी में नहीं होगा तो उसको नया ऑब्जेक्ट बना के ला के दे देगा उसको, ठीक है। यही काम जो है ना बाकी जगहों पे भी, जहाँ पे भी नीचे हमने यूज़ किया हुआ है, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू ऑब्जेक्ट एवरी टाइम, वी आर सिंपली जस्ट सेइंग कि भाई कैटेगरी सर्विस अप्लाई नहीं किया है हमने, क्रिएट में किया है, ठीक है। ये भी कैटेगरी सर्विस है, प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है। इसको हमने किया प्रोडक्ट सर्विस डॉट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, और सेव प्रोडक्ट। देन हम एडिट में भी आके हम यही काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट सर्विस डॉट क्लास ऑब्जेक्ट और गेट प्रोडक्ट। और सिमिलरली फॉर आवर एडिट पोस्ट, प्रोडक्ट सर्विस डॉट क्लास ऑब्जेक्ट एंड सेम इन आवर दिस डॉट क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फाइनल वन इज दिस,
डिलीट, ठीक है। सो हमारे पास ये हमने काम कर दिया। अब हुआ क्या है, अगर तुम देखोगे चीज़ सिर्फ इम्प्रूव कहाँ पे हुई है, हमारे पास काम वही उसी तरह से करेगा, कोई डेटाबेस वाइज हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ हमने अपने पास जो हम अलग से ऊपर ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ था ना, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमने इस क्लास से निकाल दिया, हमने इसको उसी क्लास में रख दिया जिसका हम ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ये जो प्रोडक्ट सर्विस का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये न्यू प्रोडक्ट सर्विस, ये खुद से आपको बना के देगी। ऑब्जेक्ट क्रिएशन नाउ हैंडल इज हैंडल इनसाइड द क्लास, ठीक है। ये प्राइवेट वाले का फिर क्या काम, मतलब कुछ भी अगर देखो ना, अब ये प्राइवेट वाला जो है ना, इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता यहाँ पर। ये देखो, अगर मैं इधर आऊँ, कहाँ बनाए, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये देखो इधर प्रोडक्ट सर्विस डॉट प्राइवेट इन मेमोरी वाला जो है वो मेरे पास यहाँ एक्सेसिबल नहीं है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पब्लिक वाला एक्सेसिबल है। पब्लिक वाला जो है, मैं वहाँ पर उसको क्या, उसके अंदर मैं उस डायरेक्टली उसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट कभी नहीं रखा हुआ, मैंने एक और उसके अंदर एक्सेस किया इस प्राइवेट वाले को। ये जो प्राइवेट है, पब्लिक में जो पब्लिक वाला ऑब्जेक्ट है उसमें यूज़ हो रहा है प्राइवेट वाला, ये ठीक है। बस सिर्फ चेक कर रहा है कि यार वो जो प्राइवेट वाले को देखो, प्राइवेट वाला मेमोरी के अंदर ऑलरेडी सेव है कि नहीं, अगर सेव है तो वही रिटर्न कर दो, अदरवाइज नया ऑब्जेक्ट बना के उसको रिटर्न करो, ठीक है। अब मैंने इनके नाम यहाँ पे रख दिए हैं प्राइवेट इन मेमोरी ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप लोगों को समझाने के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ये है कि ये जो पब्लिक वाला होता है उसका आप इस तरह से कैपिटल नेम दे देते हो इंस्टेंस, क्योंकि ये जो हम लोग बनाते हैं ना इंस्टेंस, क्या कह रहे हैं, रिन्यूएबल अपडेट 7 इंस्टेंस, हाँ ठीक है। नहीं नहीं बस एक यहाँ से चेंज करोगे हर जगह चेंज हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे भी चेंज हो गया इंस्टेंस। रीनेम किया करो उसको, हमेशा रीनेम करोगे तो रीनेम से फ़ायदा ही होता है, जिधर जिधर भी वो यूज़ हुआ होगा, एक्सक्लूडिंग आई थिंक शायद व्यूज़ पे नहीं होता है, बल्कि शायद व्यूज़ पे भी हो जाए, लेकिन व्यूज़ से जब रीनेम करोगे तो वो शीशा आपकी क्लासेस के अंदर नहीं करता उसको, ठीक है। तो मैंने रीनेम किया। अब जैसे भी ये भी देखो, ये चार पांच जगह पे यूज़ हुआ है, अगर मैं एक एक को रीनेम करूँगा तो उसमें मेरा टाइम लगेगा। सिंपल मैं उसको राइट क्लिक करके रीनेम करूँ तो वो इन सबको भी चेंज करेगा, ठीक है। और जो प्राइवेट वाला होता है ना, प्राइवेट वाले को आप छोटा इंस्टेंस नाम दे देते हो, ठीक है। तो वो सारे चारों पाँचों में उसने चेंज कर दिया। तो ये एक तरह से बस जो है ना, एक पब्लिक इंस्टेंस है, एक प्राइवेट इंस्टेंस है। प्राइवेट वाला जो होता है, आप दोनों ही आपकी मेमोरी में होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में होते हैं दोनों, ये इंस्टेंस भी आपने मेमोरी में सेव कर दिया होता है आपके पास सिस्टम की मेमोरी में, सर्वर की मेमोरी में। लेकिन ये जो प्राइवेट होते हैं ना, इसके इसने ऑब्जेक्ट होल्ड किया होता है, और जो पब्लिक होता है ये सिर्फ और सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को आपको रिटर्न करता है खाली, ठीक है, इसकी सेट नहीं होता। सो ये हमारा सिंगल टन का पूरा सिनेरियो था। अब हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि जितनी भी हमारी सर्विसेज है ना, उनको हमने एज अ सिंगल टन यूज़ करना है, ठीक है, उनको सिंगल टन, आज से हम जितना ही बनाएंगे उनको सिंगल टन बनाएंगे। अच्छा, एक और काम भी कर लिया करो। अब ये ऑब्वियसली ये हमारे पास नॉर्मली हर क्लास में सबसे ऊपर ही होता है, जब भी हम हमारी सर्विसेज बनेंगी हमने सबको इस तरह से सिंगल टन बनाना है, ठीक है। तो हम इसको एक रीजन में बना के रख लेते हैं। रीजन का भी यूज़ किए कोड के अंदर, सोर्स कोड को थोड़ा सा मैनेजेबल बनाने के लिए आप इनको रीजन बना सकते हो, ठीक है, हैश रीजन। मैं कह रहा हूँ कि यार यहाँ पे हमने अप्लाई किया है सिंगल टन, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सिंगल टन, और यहाँ पर ना उसको कर दो एंड रीजन, एंड रीजन, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया। अब मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर दिया उस लॉजिक के साथ, मुझे मैं उस लॉजिक को नहीं देखना चाह रहा हूँ, बस मुझे इतना पता चल रहा है कि वो सिंगल टन मैंने बनाया हुआ है इस रीजन के अंदर। इस तरह से आप किसी भी उसको ना, मैं लेट सपोज अगर आपके पास एक बहुत बड़ी लॉजिक है, बहुत बड़ा क्लास है, या बहुत बड़ा कंट्रोलर है जिसके अंदर हज़ारों लाइनों का कोड है, तो उसमें आपने मैनेज करना है कि यार इसमें ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, ये सेक्शन है, तो उसको आप इस तरह से कर सकते हो। सभी मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ, जहाँ पर हमने इंडेक्स वाला है ना, या कैटेगरी टेबल, इसको मैं यूँ कर सकता हूँ, हैश रीजन, और इसको कह रहा हूँ क्रिएशन, ठीक है, और यहाँ पर मैम ये रीजन का क्रिएशन का काम ख़त्म कर रहे हैं, तो मैं इसको एंड रीजन दे रहा हूँ, ठीक है। एक और रीजन दे देते हैं, हैश रीजन अपडेशन, ठीक है, अपडेशन, और इसको भी यहाँ पे हमने ये दो एक्शन जो है उससे रिलेटेड थे, तो हमने उसको भी एक साथ रख दिया, एंड रीजन कर दिया उसको। और ये डिलीट का है, अलहदा से डिलीट का कर लो, अदरवाइज़ इनको सिंपल मैं कंट्रोल एम वो कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देखो जो क्रिएशन वाला जितना भी सोर्स कोड है वो एक साथ हो गया, अपडेशन वाला सारा, मतलब रीजन बन गए,
ठीक है। सो ये इस तरह से ना आपका मतलब थोड़ा कोड मैनेज, अभी तो हम बिल्कुल 60-70 लाइनों के अंदर हमारा कोड हो रहा है, 106 लाइनों में कोड हो रहा है। तुम देखोगे कुछ कंट्रोलर्स ऐसे होते हैं जिनमें 5-5 हज़ार 10 हज़ार लाइनों का कोड होता है, तो वहाँ पर ये रीजन्स बहुत काम आते हैं। ठीक है, अभी तो बिल्कुल छोटा छोटा काम है। खैर एनीवे, अभी ये बताओ कि सिंगल टन की लॉजिक क्लियर हुई आप लोगों की नहीं? ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोशिश आप लोगों ने ये करनी है, जो बाकी जितने भी हमारी सर्विसेज हमने बनाएंगे ना और जो बनी हुई हैं उन पे भी अप्लाई कर देना है सिंगल टन। ठीक है, अच्छा सेकंड काम, आज के सेकंड काम की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास पेजिनेशन। ठीक है, चलें पेजिनेशन की तरफ। अच्छा पेजिनेशन है क्या? सबसे पहले तो ये नोट करते हैं, मैं इसको रन कर रहा हूँ, Ctrl F5। अभी हमने प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट सर्विस को सिंगल टन बना लिया है। ठीक है, ये देख लेते हैं कि अभी हमारे पास अभी काम सही चल रहा है कि नहीं, क्योंकि इस ये देखो एक जगह ढूंढ आ रहा है प्रोडक्ट सर्विस। हाँ ये देखो ऑब्जेक्ट बना रखा है यहाँ पर, तो इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं। शॉप कंट्रोलर के अंदर ये जो चेकआउट का आई थिंक हमने बनाया था वहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। अब इधर आते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस डॉट इंस्टेंस, ठीक है, गेट प्रोडक्ट, Ctrl Shift B। ठीक है, रीबिल्ड हो चुका है सक्सेसफुली। लेट्स गो बैक टू आवर पेज हेयर एंड प्रोडक्ट था ना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये काम अभी तक सही चल रहा है कि नहीं, इसके बाद ही हम अपनी पेजिनेशन की तरफ आगे चलते हैं। ठीक है, ओके, सो हमारे पास ये आई थिंक चल रहा है हमारे पास, सही है। और अगर मैं यहाँ पे कुछ सर्चिंग परफॉर्म करूँ तो सर्च भी परफॉर्म हो रही है, और अगर हम एडिट कुछ करें, सही है, कैटेगरी है वुमेन प्रोडक्ट 2, अपडेट, ठीक है, वुमेन प्रोडक्ट 2। सो इसका मतलब है हमारे पास तकरीबन काम सही चल रहा है, सही है। अब इसका मतलब है सिंगल टन वाला काम तो हमारा सही चल रहा है। अब हम आते हैं पेजिनेशन की तरफ, पेजिनेशन के टोटल लॉजिक क्या है। राइट नाउ लेट्स सी, हमारा ये जो हमारे पास लिस्टिंग हो रही है ना, ये जो जितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं ये किस तरह से आ रही हैं, ये ज़रा चेक करते हैं। ठीक है, हम इधर आते हैं अपने पास, सबको बंद करो। ठीक है, और इसमें वेब में आते हैं, वेब में हमारे पास कंट्रोलर है प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट में हमने इंडेक्स में, अगर आपको याद हो इंडेक्स में हमने कॉल कराया हुआ है गो टू व्यू, ये रहा, ठीक है, इसमें हमने कॉल कराया है प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, लेट्स गो टू आर प्रोडक्ट टेबल, हेयर इट इज़। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मॉडल डॉट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट सर्विस डॉट इंस्टेंस डॉट गेट प्रोडक्ट्स। गेट प्रोडक्ट्स क्या कर रहे हैं, ज़रा इसमें जाके देखते हैं, गो टू डेफिनेशन। सो हेयर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंक्लूड, कैटेगरी इंक्लूड करा के डॉट टू लिस्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि लेट्स सपोज हमारे पास हमारे डेटाबेस में 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं। तो पेजिनेशन तो वही कर देगा ना, उसको पेजेस पे हाँ, जाएगा राइट फिर। नाउ अभी क्या हो रहा है, अगर 1 लाख प्रोडक्ट्स हुई, ये क्या रिटर्न करेगा, 1 लाख प्रोडक्ट्स रिटर्न करेगा। पेजेस कर देगा। हाँ, 1 लाख प्रोडक्ट्स रिटर्न करेगा। जब वो 1 लाख प्रोडक्ट्स मेरे इस पेज पे आएंगी, मुझे ये बताओ, ये तो मेरा पेज तो भाई तबाह हो जाएगा, वो तो लोड होने में ही अरसे लगा देगा, ज़िंदगी लगा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करें, ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ लिमिटेशन लगानी होगी, भाई फर्स्ट टाइम जो है 10 रिकॉर्ड्स लोड करो, या 10, 20, 30, या इस तरह से कुछ लिमिट रख देंगे, 50 रिकॉर्ड्स शो करो, देन उसके बाद सेकंड पेज पे जाए तो नेक्स्ट 50, उसका थर्ड पेज पे जाए तो नेक्स्ट 50, इस तरह से ये चीज़। तो रियल वर्ल्ड में हमें इस चीज़ की भी बड़ी ज़रूरत पड़ती है, सही है। तो ये आज सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये किस तरह से कर सकते हैं। हम इधर आते हैं और अपने पास प्रोडक्ट कंट्रोलर में आते हैं। ठीक है, ये बताओ, ये हमने ऑलरेडी प्रोडक्ट टेबल बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे ना 2 पैरामीटर और ले लेता हूँ, ठीक है, दो क्या एक भी ले सकते हैं, लेकिन चलो एक लेते हैं, सही है, ताकि इनिशियली काम थोड़ा आसान हो। मैंने यहाँ पे रखा पैरामीटर प्रोडक्ट टेबल, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ पेज नंबर। ओके गाइस, पेज नंबर, सही है। ये क्या, ये डिनोट करेगा कि यार हमारे पास एक पेज नंबर 1 है, या पेज नंबर 2 है, या कौन सा पेज नंबर है। ठीक है, उसकी बेस पे हम लोग आगे काम करेंगे। अभी अगर मैं इसी को ले, मैंने यहाँ पे सिंपल पैरामीटर ऐड कर दिया, मैं आगे इस पर अभी कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, सही है, और इसी को मैं रीबिल्ड कर रहा हूँ। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस, सही है, सिंपल रीबिल्ड किया, रीबिल्ड सक्सेस हो चुकी है, और इस पेज को मैं वापसी रीलोड कर रहा हूँ। क्या लगता है क्या होगा?
ये एक एरर आ रहा है। एरर क्या कह रहा है? वो सिंपल कह रहा है कि भाई आपने जो है ना द पैरामीटर डिक्शनरी कंटेन्स अ नल एंट्री फॉर पैरामीटर पेज नंबर, जो आपने पेज नंबर ऐड किया है वो आपने पास तो किया नहीं। ये अब हमने प्रोडक्ट टेबल कहाँ से कॉल करवाया? यहाँ से कॉल करवाया, प्रोडक्ट टेबल से कॉल करवाया, ठीक है। यहाँ से मुझे पेज नंबर भी भेजना चाहिए, ठीक है, भेजना चाहिए। तो अगर मैं पेज नंबर ना भेजूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला काम मैं फिलहाल मैं नहीं छेड़ना चाह रहा फिलहाल यहाँ से कुछ भी। मैं चाह रहा हूँ कि यार बस यहाँ पर आओ, इधर से हैंडल करो चीज़, सही है। अब मैंने ये जो पैरामीटर ऐड किया है इसको मैं नलेबल बना रहा चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर बाय डिफ़ॉल्ट पास ना हो, जब मैं पास करूँ तब पास हो। ये जो मैंने इसके बाद अभी क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया, ये अब बन चुका है नलेबल। इसको मैं चाहे इसको भेजूँगा तो ये कंसिडर होगा, जो भी वैल्यू मैं वहाँ से पास करूँगा वो वैल्यू यहाँ पर आएगी। अगर मैं पास नहीं करूँगा तो इसकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। अब आगे ये वाली लॉजिक मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसको रीबिल्ड करवा के यहाँ पे हम लोगों को दिखाया कि यार एरर आता है, सही है। मैंने इसको भी फिलहाल मार्क किया हुआ है नलेबल, तो इट कैन हैव अ वैल्यू और इट इज़ मतलब ये आल्सो सपोर्ट्स नल वैल्यूज, सही है। अदरवाइज इंटीजर जो होते हैं उसकी हमेशा वैल्यू जीरो होती है, वो नलेबल कभी भी नहीं होता। अगर आप उसको नलेबल मार्क करना होता है आप उसको बताते हो इस तरह से। ये मैंने आई थिंक शायद सेकंड थर्ड में बताया था, नहीं बताया बल्कि ये पहले नहीं डिस्कस किया मैंने, ठीक है। आगे यहाँ से चलते हैं। अब मुझे इस पेज नंबर पे ना यहाँ पर मैं ऊपर आ रहा हूँ और यहाँ पे ये मैंने नहीं बताया, तुम लोगों को नहीं बताया, वो दूसरे स्टूडेंट को बताया था। मैं यहाँ पे देखो अब एक चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको ये बता रहा हूँ कि अगर ये कभी आपको यूज़र पास ना करे या आपके पास पास ना हो तो इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर दो। तो वो किस तरह से, मैं देखो मैं कह रहा हूँ पेज नंबर, ठीक है, इस तरह से इसको कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ पेज नंबर डॉट हैज़ वैल्यू। ये चेक करेगा, हैज़ वैल्यू चेक करेगा कि यार इसकी वैल्यू है कि नहीं। अगर वैल्यू होगी तो मैं इसको इस तरह बता रहा हूँ कि यार पेज नंबर असाइन कर दो, अदरवाइज इसको असाइन कर देना वन। लॉजिक थोड़ी सी ना साफ रखने के लिए कि यार ये बस सिर्फ ये लाइन क्या करेगी कि यार ये चेक करेगी अगर ऑलरेडी वैल्यू यूजर ने पास की होगी या इसके पास ऑलरेडी है तो ये पेज नंबर असाइन कर दे, अदरवाइज उसको बाय डिफॉल्ट वन असाइन कर दे। पेज नंबर वन ही होगा अगर यूजर ने पास नहीं किया, पेज नंबर टू होगा तो इसका मतलब है वो वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी, सही है। अब मैं ये पेज नंबर भी पास कर दूंगा अपने पास, ये मॉडल डॉट प्रोडक्ट्स जो है ना गेट प्रोडक्ट्स, इसमें मैं पास करना चाह रहा हूँ पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर। अब यहाँ पे मुझे जाके इसमें पैरामीटर ऐड करना होगा, गो टू डेफिनेशन गेट प्रोडक्ट, हमने गेट प्रोडक्ट्स, अच्छा हमने सिंगल वाला यूज़ किया था बगैर उसके, ठीक है। हमारे पास यहाँ दो हैं आई थिंक, गेट प्रोडक्ट्स भी है और गेट प्रोडक्ट सिंगल वाला ये भी है, ठीक है। तो मैं इस वाले में मुझे चेंज करना है, वो दूसरे वाला था, समझे हो कि नहीं। हमारे पास दो सेम नाम के वो गेट प्रोडक्ट है, वो अलग है। ये तो वो था ना, ये देखो यहाँ पे जो राइट नाउ जो हमने अभी फिलहाल यूज किया हुआ है, इसके देखो दो ओवरलोड थे, ठीक है, दो मेथड थे। एक में हम लोग लिस्ट ले रहे थे, ठीक है, कोई लिस्ट लेके लिस्ट ऑफ आईडीज लेके उसकी बेस के ऊपर जो जो प्रोडक्ट मैच करी थी वो रिटर्न कर रहे थे। एक था जिसमें हम सारी की सारी रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें इस वाले में चेंज करना है क्योंकि हमने कोई पैरामीटर वहाँ से पास नहीं किया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है इसमें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी पैरामीटर इसमें लूँगा इंटीजर, ठीक है, और पेज नंबर, पेज नंबर, ठीक है। नोटिस करो मैंने इसको यहाँ पे नलेबल नहीं रखा है, ये मैं लाजमी लूँगा हमेशा, ठीक है। सर्विस के अंदर मैंने नलेबल नहीं रखा, इसकी वजह यह है कि मेरे पास जब भी यहाँ से पास होगा तो वैल्यू पास होगी कोई ना कोई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगी, अब मेरे पास मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करनी है, तो मैं अगर यहाँ पेज नंबर लिखता हूँ तो पेज नंबर पे मुझे एरर दे रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये जो है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर नलेबल टू, अच्छा ये मैंने यहाँ लिस्ट बना रखी है क्या, हाँ ठीक है, वो सिंपल है, ये इसको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है फिलहाल। ये देखो इधर ये क्या कह रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू स्कीमा की, हाँ ये देखो कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंटीजर टू, ये नलेबल से वो उसमें कन्वर्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है मुझे यहाँ पे इसकी ये, क्योंकि ये नलेबल है ना ऊपर ऑलरेडी मेरे पास, तो मुझे इसको नलेबल नहीं, मुझे वैल्यू पास करनी, और वैल्यू मुझे पता है मैंने हमेशा मेरे पास इसमें वैल्यू होगी क्योंकि मैं उसको असाइन कर रहा हूँ ऊपर, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा, इसको पेज नंबर डॉट वैल्यू, उसकी वैल्यू, ठीक है, और ये वैल्यू हमेशा होगी चाहे यूज़र पास करे या ना पास करे। इसकी वजह यह है कि मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ उसकी बेस पे, वन असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं क्योंकि ये यूज़र है, और ये मेरे पास पेज नंबर यहाँ रिसीव हो जाएगा। पेज नंबर के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर ना परफॉर्म कर रहा हूँ कि भाई
सिर्फ और सिर्फ टेक टेक। अच्छा अब ये चीज़ हम लगा सकते हैं, मुझे ये बताओ कि पेजिनेशन के लिए लॉजिक क्या होती है। अगर हम कोई पेपर है, पेपर अगर किसी के पास है तो वो मुझे दिखाए जरा। अच्छा अब ये देखो ये मैं तुम्हें बताता हूँ पेजिनेशन की लॉजिक क्या होगी। ये बताओ अगर पेज नंबर 1 होगा हमारे पास, ठीक है, तो हमें कौन से रिकॉर्ड दिखाने हैं? लेट्स सपोज हम ले लेते हैं कि हमें 10 रिकॉर्ड दिखाने, तो 10 रिकॉर्ड कौन से दिखाने होंगे? फर्स्ट 10 दिखाने होंगे, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। पेज नंबर 2 होगा तो उसमें 11 से लेके 20 तक दिखाने होंगे। पेज नंबर 3 होगा उसमें 21 से 30 दिखाने होंगे, ठीक है। अब ये लॉजिक हम किस तरह से लिखें, इसको मैं बताता हूँ किस तरह से लिख रहे हैं। हमारे पास लेट सपोज ये एक इमेजिन कर लो, ये हमारे पास एक लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है, सही है, और ये इस लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे आइटम हैं। पेज नंबर 1 होगा तो उसमें मुझे स्किप कितने करने हैं, ये बताओ स्किप कितने करूँ? 0 0 कोई भी स्किप नहीं करना है, शुरू के ही पहले वाले 10 ही लेने ना। मैं स्किप करूँगा 0, देन मैं टेक करूँगा डॉट टेक नेक्स्ट 10, ठीक है। पेज नंबर 2 के सिनेरियो में स्किप कितने करूँगा? 10 करूँगा, फर्स्ट 10 में स्किप करूँगा, फिर करूँगा टेक 10 नेक्स्ट 10। पेज नंबर 3 के सिनेरियो में क्या होगा? स्किप 20 स्किप करने और टेक करने मुझे नेक्स्ट 10। इसका मतलब है हम यहाँ पे कोई फार्मूला हमें बनाना पड़ेगा कि वो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं कर सकता मैं यहाँ पे लॉजिक बैठ के लिखने लग जाऊँ कि भाई इफ इफ पेज नंबर इक्वल्स 1, सही है, पहले स्किप कोई भी नहीं करो, पहले टेक 10 कर लो, ठीक है। और लेट सपोज अगर हमारे पास पेज नंबर, इफ पेज नंबर इक्वल्स टू 2, देन ये तो नहीं कर सकते ना मैं, ये तो ऑब्वियसली अगर 100,000 रिकॉर्ड होंगे तो अगर उसको हमने 500 पेजेस में दिखाना, 500 इफ कंडीशन नहीं लगा सकता मैं, सही है। इसका मतलब हमें कुछ मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी। अब जो लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग मैथमेटिक्स कहाँ होती है, वो यहाँ पे होती है मैथमेटिक्स छोटी मोटी, ठीक है। यहाँ पे हमें फार्मूला बनाना है। फार्मूला देखो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई दफ़ा किया हुआ ये काम, तो मैं बताता हूँ किस तरह से करना है। पेज नंबर देखो, हमें ये करना है डॉट स्किप लगाते हैं, सही है, और स्किप पे हम लोग लिखते हैं पेज नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय पेज नंबर, नहीं मल्टीप्लाई नहीं, अभी नहीं, हमने उसमें से हमेशा एक माइनस करना है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 10 से, लेट सपोज जो भी हमारा पेज साइज होगा, ठीक है, मैं उसको लेट सपोज कहता हूँ पेज साइज, सही है। ये हमने हमेशा स्किप करने। अब यहाँ पर देखो ये किस तरह से कर रहा होगा। पेज नंबर 1 अगर मैं फर्स्ट नंबर लगाता हूँ, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर उसको क्या होगा? 1 होगा, 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0 हो गया। 0 मल्टीप्लाई बाई 10 जब होगा तो ये वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी, तो कितने स्किप हो जाएंगे? 0 स्किप हो जाएंगे। अब लेट्स सपोज पेज नंबर 2 है, 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 आ गए, तो 10 स्किप हो जाएंगे। पेज नंबर 3 होगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 20 स्किप हो जाएंगे। सो इसका मतलब है कि स्किप के लिए तो हमारे पास फार्मूला सिंपल सा ये है कि पेज नंबर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई पेज साइज, जो भी हम पेज साइज रखना चाह रहे होंगे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। क्या ख्याल है, ये लॉजिक क्लियर हुई? अब मैं यही काम यहाँ पे करने लगा हूँ कोड में, ठीक है, नज़र आ रहा है। यहाँ पर आते हैं जहाँ इंक्लूड है ना, इंक्लूड से पहले मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। इधर आ रहा हूँ स्किप, ठीक है, और इसको दे रहा हूँ पेज नंबर माइनस 1, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई बाई, अगर हम लेट सपोज 10 लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से, इसको भी जो है ना एक काम करो, यहाँ पर ना वो एक वेरिएबल बना लो, इंटीजर पेज साइज इक्वल टू 10, ठीक है, और ये पेज साइज जो है आप यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करवा लो, ठीक है। तो पेज साइज ये हमने स्किप कर दिए, उसके बाद हमने लेने हैं नेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ 10 लेने हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ स्किप कर देंगे तो पहले वाले स्किप कर देगा, लेकिन फिर आगे जितने भी होंगे वो सारे के सारे ले आएगा, आगे वाले सारे ले आएगा, ठीक है। तो हमें उसमें भी फिर सिर्फ एक करने 10 या जो भी हमारा पेज साइज है वो लेना है, ठीक है, ये पेज साइज। सो ये हमारी टोटल लॉजिक है इसके लिए। हाँ
पहले स्किप कर दो जो भी आपका स्किप करना है, ठीक है, उसको टेक कर लो। ये लॉजिक क्लियर हुई? दैट्स इट। इधर आते हैं, सेव, सही है, पेज नंबर, ओके, लेट्स सी इसको। नहीं नहीं वो तो हमें यार इतना तो नहीं करो ना, अभी हमने बेसिक फंक्शनैलिटी लिखी है, ठीक है, इसमें रिवील कर रहा हूँ, वो एचटीएमएल से होगा, वो भी हम कर लेते हैं, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, पेज नंबर हो गया हमारा काम, इसको हम करते हैं रिबिल्ड, ओके। रिबिल्ड हो जाओ। अच्छा पहले काम करते हैं, अभी हमारे पास दो दो ही रिकॉर्ड है ना, हम जल्दी जल्दी से कुछ पाँच छः सात, मैं कह रहे हैं 10 मेथड्स के बीच ओनली सपोर्टेड फॉर सॉर्टेड लिंक क्यू, ओके। इसका मतलब है हमें पहले इसको सॉर्ट आउट करना है, गेट प्रोडक्ट्स में जाते हैं, इसको गो टू डेफिनेशन एंड बिफोर दिस वी नीड टू अप्लाई ऑर्डरिंग, ठीक है, ऑर्डर बाय, ठीक है, ऑर्डर बाय किससे ऑर्डर बाय लगाएं, आईडी से लगा लें, ठीक है, आईडी से लगा लेते हैं, सिंपल ऑर्डर बाय लगाने के लिए, ऑर्डर बाय भी चलो तुम लोगों को नज़र आ गया, ये लो डॉट ऑर्डर बाय लिखो, उसके अंदर दे दो कि यार उसकी आईडी से उसको सॉर्ट करो एक्स, ये जो हमने अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं जिस तरह से हम लोग ऊपर लॉजिक लगाते रहे ये वाली, वही लगाइए और उसको बताया कि आईडी से सॉर्ट कर दो। अगर लेट सपोज मुझे उसको उसके नेम से सॉर्ट करना होगा तो मैं उसको नेम दे देता हूँ, ठीक है, ये है ऑर्डर बाय। लेट सपोज मैं दिखाना चाह रहा हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 कर रहे हैं, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में करें, तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग कर दो, ये यूज़ कर लो, ठीक है। सो लिंक यू ने काम बहुत आसान किया है हमारे पास, सही है, यहाँ पे आते हैं, इसको दे रहे हैं आईडी, ठीक है, और अगेन रिबिल्ड इट। हाँ बिल्कुल यार, पता आपको तब चलेगा जब आपके पास जरूरत पड़ेगी, जरूरत कब पड़ेगी आपको, दो जगह जरूरत पड़ेगी, या तो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो या काम जॉब के लिए जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, तो अब डिसाइड कर लो जॉब पे जाके सीखना है या उससे पहले सीखना है, ठीक है। राइट नाउ वी हैव टू प्रोडक्ट्स, सही है, लेट्स क्विकली क्रिएट अ फ्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट P3, ठीक है, 30, सेव, सही है, लेट्स क्रिएट अनदर वन P4, 40, सेव, लेट्स क्रिएट अ फ्यू मोर P5, 50, सेव, हाँ हाँ सही है, कोई इशू नहीं यार, P6, टेन चाह रहा हूँ मैं, 10 11 चाह रहा हूँ, ताकि कुछ चीज़ें हुए हैं उसके अंदर, 5 में वो काम नहीं हो पाएगा, 70, सेव, न्यू, और P8, 80, P9, 90, बस दो और रह गए, P10, हाँ डेटा बेस से भी डाल सकते हो यार, अब कौन एसक्यूएल सर्वर जाके वहाँ से वीडियो स्टूडियो में ओपन करे, P11 और 110, ठीक है। सो नाउ वी हैव ओवर 10 और मे बी तकरीबन कोई 10 11 प्रोडक्ट्स हो गए हैं, P11 क्यों नहीं आई हमारे, अच्छा अब देख रहे हो P11 नहीं आई, नोटिस P11 नहीं आई, हमने P11, हाँ नेक्स्ट पेज होगा, हमारे पास नेक्स्ट पेज यहाँ पे है नहीं, ठीक है, हमारे पास अगर मैं इसको रीलोड भी करता हूँ, ठीक है, हमारे पास 10 प्रोडक्ट सिर्फ शो हो रही हैं, सही है। इसमें भी अगर मैं लेट्स सपोज इसको पेज साइज को सेट कर देता हूँ 5, ठीक है, रीबिल्ड करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाएंगे, ठीक है, रीबिल्ड, रीलोड, ठीक है। सो नाउ वी हैव ओनली 5 प्रोडक्ट्स, सो दिस मीन्स हमारी पेजिनेशन किसी हद तक काम कर रही है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है भाइयों, नेक्स्ट काम ये करना है कि हमें पेजिनेशन चाहिए नीचे, ठीक है, सो लेट्स गो टू डैट, हमारे पास हमारा प्रोडक्ट टेबल कहाँ है जहाँ पे हम रेंडर कर रहे हैं, प्रोडक्ट टेबल
प्रोडक्ट टेबल, राइट क्लिक, गो टू व्यू, ठीक है हियर, जहाँ पे हमने फॉर ईच लगाई है, फॉर ईच के बाद यहाँ पर आके हम एक नेक्स्ट का और प्रीवियस का बटन लगा लेते हैं फिलहाल, ठीक है, बाद में हम लोग लगाएंगे 1 2 3 4 5 वो जो है ना उस तरह से गूगल बेस, वो भी इंशाल्लाह हम कर लेंगे। यहाँ पर आते हैं, दो बटन ऐड करते हैं, डिव, ठीक है, इसको हम नाम देते हैं पेजिनेशन, या ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको फिलहाल, ठीक है। लेट्स ऐड टू बटन्स, वन ऑफ देम इज प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, क्या कहते हो, सही है, सिंपल रख रहा हूँ अभी चीज़ें, आईडी इसको सेंड कर रहा हूँ, प्रीवियस रिकॉर्ड्स, ओके गाइस, एंड द नेक्स्ट इज नेक्स्ट रिकॉर्ड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड्स, ओके। अब मैं इसके ऊपर, ये क्या कह रहे हैं, कैन नॉट बी, अच्छा ये मैंने टी बॉडी टेबल के अंदर रखा है फिलहाल, ओके, टेबल से इसको निकाल लेते हैं, यहाँ पे रखते हैं, टी बॉडी से बाहर कर दें, टेबल के अंदर भी रखना है, नहीं टेबल के अंदर भी नहीं रख सकते, देखो वहाँ पे भी वो एरर वही देगा, टेबल से बाहर, क्योंकि ये डिव है ना, ठीक है, इसको यहाँ रख रहा हूँ मैं, सही है गाइस, सिंपल टेबल के बिल्कुल साथ ही, रीलोड भी करके चेक कर लेते हैं, ये नीचे यहाँ बटन शो हो रहे होंगे, अब हमें उसके ऊपर पेजिनेशन बेसिकली एजेक्स रिक्वेस्ट के थ्रू ही करनी पड़ेगी, ठीक है। ये दो बटन है हमारे पास, प्रीवियस एंड नेक्स्ट, एंड नाउ लेट्स अप्लाई सम क्लिक एक्शन ऑन देम लाइक दिस, ठीक है गाइस, ऊपर ही लगा देते हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन इज प्रीवियस रिकॉर्ड्स, द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी नेक्स्ट रिकॉर्ड्स, ठीक है। और अच्छा ये URL हेल्पर्स आप लोगों ने चेंज करने हैं, ठीक है, रिमेंबर डैट, यहाँ पे आपने URL हेल्पर लगाने हैं, राइट नाउ फिलहाल अभी यही चीज़ें लगी हुई हैं, तो हम ये रख लेते हैं फिलहाल इसे, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टेबल, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है भाइयों, ये बताओ, दोबारा रिकॉर्ड उठाना है ना, नेक्स्ट पे, अब ये बताओ कि ये किस तरह मैं पता लगाऊं कि करना पड़ेगा हमें, जैसे पहले तो टेबल शो कराना पड़ेगा ना, इस पे क्लिक पे दोबारा से टेबल शो, बिल्कुल, अभी पता है कि हमारे पास कौन सा पेज नंबर चल रहा है, नहीं पता उसको, कुछ भी पता नहीं, क्योंकि हमने उसको कुछ असाइन ही नहीं किया, इसका मतलब है हमें यहाँ कुछ असाइन करना है, यहाँ लेट्स सपोज हम इसको असाइन कर देते हैं डाटा पेज नंबर, सही है। अब मुझे ये बताओ, मुझे इसको पेज नंबर असाइन करना है, पेज नंबर कैसे असाइन करूँ, ये बताओ, करंट पेज नंबर, करंट पेज नंबर इस वक्त कौन सा चल रहा है, वन चल रहा है, लेकिन ये हमें अभी उसको तो नहीं पता ना, हमें पता है ना वन है, तो इसका मतलब है मुझे इसको जिस तरह मैंने मॉडल के अंदर प्रोडक्ट पास किए हुए ना, इस तरह से मैं पेज नंबर भी पास कर दूँ, ये जो पेज नंबर है ना ये मैं मॉडल के अंदर भी पास कर दूँ, लॉजिक क्लियर हुई, ये जो है मैं इसको रख रहा हूँ मॉडल से यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ मॉडल डॉट पेज नंबर, सही है, हाँ, शो पोटेंशियल फिक्सेस जनरेट प्रॉपर्टी, यहाँ से ऐड कर दो बस, ठीक है, उसमें जाके प्रॉपर्टी भी बन जाएगी, ये देखो राइट क्लिक पीक डेफिनेशन, सी वी हैव, उसने ऑलरेडी बना दी है, अच्छा इसने ये इसको नलेबल रख दिया, मैं नलेबल नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको हमेशा वैल्यू असाइन करूँगा, पेज नंबर और इंटरनल से बैठा रहा हूँ, ठीक है, सिंपल बस नॉर्मल प्रॉपर्टी है, जिस तरह से नॉर्मल प्रॉपर्टी बनाओगे इंटीजर की कोई भी, अच्छा ये आगे इसको कह रहे हैं एरर, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ये वैल्यू असाइन कर देते हैं इसको, सही है, लॉजिक वही है, बस चेक कर रहे हैं पेज नंबर की, अगर वैल्यू है तो पेज नंबर की वैल्यू असाइन कर दो, अदरवाइज वन ही असाइन करो उसको, ठीक है, और यहाँ पे मॉडल डॉट प्रोडक्ट्स में अब मैं पेज नंबर डॉट वैल्यू के बजाय मैं पास करूँगा मॉडल डॉट पेज नंबर, ठीक है, सिंपल बस क्लियर कर दिया थोड़ा सा, अब यही यही जो पेज नंबर की प्रॉपर्टी है ना, मैं यहाँ पर आता हूँ अपने पास प्रोडक्ट टेबल में, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है, पेज नंबर प्रीवियस पे क्या होगा, करंट पेज का पिछला पेज दिखाएगा, माइनस मतलब वन माइनस होगा उससे, सही है, सो सिंपली जस्ट डू दैट, मॉडल डॉट पेज नंबर माइनस वन,
और नेक्स्ट में क्या कहानी होगी, नेक्स्ट में भी यही चीज़ उठाते हैं पूरी, और इसमें सिंपल बस प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस वन, ठीक है, एंड देन गो बैक हेयर, ठीक है, यहाँ पर आते हैं अपने पास, सबसे पहले तो हम अपने पास ये प्रॉपर्टी उठाएंगे, अब यहाँ पर डाटा भी हमें साथ में सेंड कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से हम लोग अभी तक करते आए हैं सारा काम, सो सिंपली गो देयर, और अब हमारे पास ये प्रोडक्ट टेबल जो है क्या एक्सपेक्ट करता है, इधर देखो हाँ पेज नंबर एक्सपेक्ट करता है, ठीक है, सो वी आर गोइंग टू सेंड इट पेज नंबर इक्वल्स कॉलन, अब ये कहाँ से आएगा याद है, क्योंकि हाँ तो हम लगाएंगे दिस डॉट ए टी टी आर एट्रीब्यूट, ठीक है, ये भी हम लोग कई दफ़ा कर चुके हैं ये काम, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, सो विच प्रॉपर्टी डाटा डैश पेज नंबर, सही है, सो दिस इज अवर प्रॉपर्टी, ओके, ठीक है, यही काम हमने करना है, सिंपल कॉल जाएगी इस यूआरएल पे, उसको पेज नंबर ही सेंड कर देगी, फिर वहाँ से जो भी वो आएगा वो उसके ऊपर एक्शन एक्शन कंटेनर पे साइन कर देगी, ठीक है, एक्शन कंटेनर ही नहीं बल्कि जो हमारा उसका, हाँ हाँ वो टेबल कंटेनर, ठीक है, सो वी आर गोइंग टू असाइन इट टू टेबल कंटेनर, ठीक है, और फोकस एक्शन भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है, सो दिस इज सिंपल, अभी मैंने सिर्फ प्रीवियस का किया है और यही काम हम नेक्स्ट, बल्कि काम करते हैं, अब ये देखो दोनों के अंदर सेम कोड जाएगा, अगर मैं इसमें भी आऊँ, ठीक है, नेक्स्ट वाले पे भी अगर आता हूँ तो इससे भी सेम होगा ना, इससे भी वही पेज नंबर लूँगा जो भी प्रॉपर्टी होगी और वो वही सेंड कर दूंगा उस यूआरएल पे, तो इसका मतलब है कि मैं आईडी के बगैर काम चला सकता हूँ, चला सकता हूँ कि नहीं, क्लास असाइन कर दूंगा पेज पेज बटन्स, पेज बटन्स, ठीक है, ये क्लास मैंने इसको भी असाइन कर दी, ठीक है, और यही क्लास मैंने यहाँ पर भी असाइन कर दी दोनों को, बस प्रीवियस के केस में क्या होगा, पेज नंबर माइनस वन है और नेक्स्ट के केस में प्लस वन है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दो फंक्शन नहीं बनाने पड़ेंगे, एक ही बनाना पड़ेगा और उस क्लास पे अप्लाई कर दूंगा मैं, ये नेक्स्ट वाला आप हटा के जो मैंने क्लास है ना, क्लास के पेज बटन्स के ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा डॉट और ये, तो सिंपल होगा क्या, वो इस यूआरएल को हिट करेगा, इसके साथ बस पेज नंबर की प्रॉपर्टी यहाँ से उठा लेगा और वो उस पर सेंड करेगा, ठीक है, तो सिंपल, और इसको हम करते हैं रीलोड, अब ये बताओ यहाँ तक किसी को कुछ लग रहा है कि कुछ इश्यूज आएंगे, अच्छा ये मेरे रीबिल्ड करना है, हाँ बताओ, वो आएगा बटन क्लिक करने पे वो सिर्फ खाली टेबल दिखा देगा, टेबल भी नहीं दिखाएगा, वो खाली टेबल को दिखाते हैं, मतलब दोबारा बताओ, जैसे अभी हम अगर प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड हट जाएगा, नेक्स्ट पे चलेगा, नेक्स्ट पे चलना चाहिए, नहीं ना मतलब क्योंकि बोलो बोलो, ये जो चीज है ये अब दोबारा से मतलब दोबारा से पेज आएगा ना, नया पेज भी तो आएगा, वो इस टाइप का नहीं होगा मेरा, देखो 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 कर लेते हैं, कर लेते हैं, इधर देखो अभी राइट नाउ ये बताओ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, सबसे पहले इनकी नेक्स्ट और प्रीवियस की प्रॉपर्टीज देखते हैं, नेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या है, पेज नंबर है टू, हाँ पेज नंबर है टू और प्रीवियस के केस में क्या है, जीरो है, ठीक है, प्रीवियस के केस में पेज नंबर जीरो है, राइट नाउ इसका मतलब पेज नंबर हमारा इस वक्त चल रहा है वन, ठीक है, नेक्स्ट में पेज टू हो जाएगा और प्रीवियस में पेज जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये फॉन्ट्स वगैरह का इशू है, छोड़ो उसको, ठीक है, नेक्स्ट पे अब क्लिक करते हैं जरा, नेक्स्ट तक नेक्स्ट की कहानी सही चल रही, प्रीवियस करते हैं, सही चल रहा है, सही चल रहा है, अब प्रीवियस करते हैं, फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वी गॉट एन एरर, ठीक है, हमें उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ये देखो जब पेज नंबर जीरो गया है वहाँ पे हमारे पास एरर आया, सो ये कह रहा है काउंट मस्ट हैव अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, ये कहाँ पे दे रहा है, वो जो हमारी सर्विस है ना, अब हुआ क्या है यहाँ पर देखो, अगर मैं इधर दिखाऊं, ये हमने जो फार्मूला बनाया था उसमें अगर हमारे पास पेज नंबर, जब हमने वन और टू और थ्री का चेक किया था उनमें तो आ रहा था, जब हमारे पास पेज नंबर जीरो था, जीरो माइनस जीरो हुआ, देखो हाँ नहीं माइनस वन है ना, जीरो माइनस वन हुआ क्या हुआ, माइनस वन हो गया, माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ किससे, पेज साइज से, पेज साइज था टेन, वो था नेगेटिव माइनस टेन, अब वो नेगेटिव माइनस टेन के केस में कह रहे हैं भाई पॉजिटिव वैल्यू कोई दो,
जिसको मैं स्किप करूँ, माइनस टेन क्या चीज़ है मुझे समझ ही नहीं आई, ठीक है। सो ये कह रहे हैं यहाँ पे मस्ट हैव अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, वो जो यहाँ पर माइनस वन बन रहा है ना वो है। तो यहाँ पर ये कर सकते हो कि जहाँ पर हमारा कंट्रोलर है, प्रोडक्ट कंट्रोलर, ये जो है इसमें हम एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया हुआ है, हैज़ वैल्यू लगाया हुआ है और इसका डायरेक्टली असाइन कर दिया। इसके बाद हम एक और चीज़ लगा सकते हैं डायरेक्टली, इन लाइन ही दे दो, पेज नंबर डॉट वैल्यू, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो डायरेक्ट इस तरह से, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो तो पेज नंबर डॉट वैल्यू ही असाइन कर दो, अदरवाइज अभी बताओ एक इससे पहले तक समझ आई थी, देखो वो वैल्यू है वो जीरो, अगर प्रीवियस जाए, अगर जीरो पे प्रीवियस जाए तो वो वन पे ही रहे। हाँ ये देखो ये कंडीशन है, मैं इफ एल्स लगा देता हूँ, ये जो एक लाइन का काम है इस तरह हुआ है। पहले तो ये चेक कर रहा है कि यार पेज नंबर डॉट हैज वैल्यू, ओके। अब मैं यहाँ पे वो जो ये जो ऊपर एक एक लाइन में कंडीशन लिखी है वो इस तरह से देखो, इसमें पहली चीज़ ये चेक कर रहा है इफ मॉड पेज नंबर हैज़ वैल्यू, ठीक है, और एल्स के सिनेरियो में क्या है, अगर वैल्यू नहीं है तो सिंपल असाइन कर दे मॉडल डॉट पेज नंबर इक्वल्स टू वन, ठीक है, ये कर दे। इसके अंदर फिर एक और कंडीशन लगाई हुई है, इफ इफ पेज नंबर डॉट वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो तो उस सिनेरियो में क्या हो, मॉडल डॉट पेज नंबर असाइन हो जाए पेज नंबर डॉट वैल्यू, अदरवाइज एल्स की सिनेरियो चले, और एल्स की सिनेरियो में क्या हो, मॉडल डॉट पेज नंबर इक्वल्स टू वन। ये जो चार पांच इतनी सारी लाइनों के अंदर कोड किया उसको मैंने सिंपल एक लाइन में लगा दिया उधर। पहले ये चेक कर लिया कि यार हैज़ वैल्यू, तो उसके बाद ना ये चेक करो, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पेज नंबर डॉट वैल्यू असाइन कर दो, अदरवाइज वन असाइन कर दो। ये वाली लॉजिक यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद जो है ना ये इसकी वैल्यू अदरवाइज वन असाइन कर देगा। तो ये देखो आखिरी दो जो है वो यहाँ पे इस तरह, तो ये एक तरह से इफ एल्स इफ से बचने के लिए और मतलब लंबे कोड से बचने के लिए हमने इस तरह से एक लाइन में उसको साइन कर दिया, ठीक है। सो थोड़ा सा हाँ चलो सही, चलो कमेंट आउट, हाँ सिमिलर टू बिलो या अबव, ठीक है सही है, ये हमारी कहानी होगी यहाँ तक। अच्छा अब हमें अब सिंपल क्या, अब ज़रा देखते हैं क्या होता है, नॉट शुड बी और इसको किया रीलोड, सही इसको करते हैं रीलोड। ठीक है हमारे पास ये पेज आ गया, नेक्स्ट पे हमारे पास बिल्कुल सही चल रहा है, प्रीवियस करते हैं आ रहा है, उसके बाद प्रीवियस करते हैं दोबारा तो हमारे पास वो मतलब एरर वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा एक और काम कर लो, अभी इसको मतलब डिजेबल भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ मतलब ये डिजेबल हो जाए, मतलब अगर ऑलरेडी पेज डाटा पेज नंबर जीरो है तो इसको एक तरह से डिजेबल करता है। यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम डिजेबल असाइन करें इसको तो क्या होता है, डिजेबल्ड वी क्लिकेबल है, अभी भी क्लिकेबल है ये, हिडन भी नहीं, इसको कोई डिसेबल, ये मैं चाह रहा हूँ कि ये क्लास जो है ये तरह का ना वो थोड़ा सा डिम सा हो जाए, वो तुमने नोट किया होगा बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, डिसेबल से हो जाना चाहिए था अगर इन्होंने डिसेबल का कुछ लगाया होता। खैर एनीवे अभी ये नहीं हो रहा तो हम लोग फिलहाल बस ये डिसेबल का लगा देते हैं। अगर मैं क्लास असाइन करूँ डिसेबल तो क्या होता है, डिसेबल्ड या डिसेबल, हाँ खैर अगर इस तरह के सिनेरियो होते हैं या फिर टोटल हाइड करना है वो भी कर सकते हैं हम लोग, मतलब प्रीवियस शो ही ना हो सिनेरियो में, तो ये कर सकते हैं हम लोग कि इधर आएँ जहाँ पे हमने पेजेस को रेंडर किया हुआ है ना, इससे ऊपर लगा लें कंडीशन इफ मॉडल डॉट पेज नंबर अगर ऑलरेडी वन है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी हम उस फर्स्ट पेज पर ही खड़े हैं तो प्रीवियस होगा ही नहीं, ठीक है, और ये होगा नॉट इक्वल्स टू वन, अगर नॉट इक्वल्स टू वन है देन शो हो जाए अदरवाइज हाइड रहे, ठीक है ये काम।
इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट का भी जो है हमें अगर ऑलरेडी पता है ना टोटल पेजेस कितने तो भी हम हाइड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम उस सिनेरियो में नहीं जा रहे। मैं चाह रहा हूँ कि तो दूसरे टॉपिक से उनकी तरफ ही चले जाएँ इसके बाद, ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं, अभी देखो पेज नंबर वन है इसलिए हमारा प्रीवियस शो ही नहीं हो रहा, नेक्स्ट पे गए हमारे पास प्रीवियस भी अब शो हो गया, ठीक है। वैसे तो डिजेबल होता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन अब डिजेबल नहीं हो रहा तो अब क्या कर सकते हैं, थीम में जाके जो सी एस एस स्टाइलिंग करना करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट के सिनेरियो में भी ये काम करना चाहिए, ठीक है। सर ये कैसे है, नो प्रोडक्ट फाउंड, ये मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, ये देखो वो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ना फेसबुक ग्रुप में, तो मैंने यहाँ पे ये कंडीशन लगा रखा है कि इफ मॉडल डॉट प्रोडक्ट्स नॉट इक्वल टू नल हो और काउंट ग्रेटर देन जीरो हो तो उस सिनेरियो में ये चले, अदरवाइज यहाँ पे आ जाए नो प्रोडक्ट्स फाउंड, ये काम तो वो तो सही चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये भी हमने टोटली मतलब खुद से पेजिनेशन पूरी की है, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें मतलब लैकिंग भी है, जैसे आप लोगों ने नोट किया कि यार नेक्स्ट के सिनेरियो में नेक्स्ट मतलब अगर ऑलरेडी हम लोग फाइनल पेज में जैसे भी इसको नोट करोगे नेक्स्ट नेक्स्ट पेज जाते हैं ना, तो इस पर देखो अभी 19 पेज नंबर साइन हुआ है, ये देखो अब मैं इसको चेंज करता जाऊँगा तो ये आगे परफॉर्म होता चला जाए, 26 पेज तक पहुँच चुका है। अब मैं अगर प्रीवियस करना चाहूँगा, मैं वापसी जाऊँ सारे पेजेस बैठ के, सही है, तो उसके बाद जाके आपसे आ रहा हूँ। ये एक तरह से मतलब ये मैंने टोटल हमने पूरी पेजिनेशन खुद परफॉर्म किया, फ्रंट एंड साइड भी हमने खुद हैंडल किया है, ठीक है। हाँ हम कर सकते हैं, सारा हम काम कर सकते हैं, सही है। तो ये चीज़ जो है ना हम एक और काम भी कर सकते हैं इस पर, दो तरीके हैं यहाँ पे भी, एक तो हम लाइब्रेरी के थ्रू भी हैंडल कर सकते हैं काम, ठीक है। दूसरा ये कि हम अपने पास खुद यही काम जो हमने इस तरह से खुद यहाँ पे पूरी कैलकुलेशन और ये सारा काम किया है ना, ये वाला ये जो कंट्रोलर सेट पे ये जो हमने ये तो खैर बाद में भी होगा, ये जो पेज ना ये जो हमने रेंडर करवाया है यहाँ पे ये इसकी जगह पे हम लोग लगा लें पेजर, ठीक है। मैं बताता हूँ हमने अरगाम में किस तरह से किया, जो मैं भी अपने प्रोजेक्ट में फॉलो करता हूँ वो इस तरह से होते हैं। हमने ना ऑलरेडी एक क्लास बनाई हुई है, ठीक है, जहाँ पे भी हम लोग लिस्टिंग दिखानी होती है ना उस क्लास के अंदर उसका ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है, उस मॉडल या व्यू मॉडल के अंदर, और वो सारी पेजिनेशन उसके अंदर पेजिनेशन की पूरी लॉजिक लिखी हुई है, जो 1 2 3 वगैरह ये शो होते हैं ना, ये गूगल टैब लॉजिक पेज नंबर, लेट्स सपोज मैं डायरेक्टली पेज नंबर 1 पे यहाँ से जाना चाह रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पेज नंबर 1 आ रहा हूँ, और लेट्स सपोज मैं पेज नंबर 6 पे जाना चाह रहा हूँ, अगर पेज नंबर 6 के रिकॉर्ड हों तो मैं डायरेक्टली उस पर क्लिक करूँ, जैसे गूगल पे हम कुछ भी सर्च करते हैं ये नीचे इस तरह से है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने मैंने जितनी भी इंप्लीमेंटेशन की है वो मैंने पेजर के थ्रू किया। पेजर सिंपल कुछ लाइब्रेरी नहीं है, वो एक मैंने क्लास ऑलरेडी बनाई हुई, मैंने एक लॉजिक लिखी हुई है, तो वो एक काम करते हैं उसको बाद में कंसिडर करेंगे। सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ यार वो लाइब्रेरी का एक आ जाते हैं, लाइब्रेरी के अंदर भी यही काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा ये काम अभी हमने पूरा खुद किया है, मैं चाह रहा हूँ अभी फिलहाल इसको कमेंट आउट कर दूँ अभी तक का जो मैंने काम किया है, ठीक है। इसको मैंने किया कमेंट आउट, सही है, सिंपल कमेंट, और ये जो है हमारे पास ये तो वैसे ही कंसिडर नहीं हो रहे, प्रोडक्ट कंट्रोलर में आते हैं, सही है, और पेज नंबर तो फिलहाल यहाँ पे लगा रहने देते हैं, लेकिन मैं जहाँ पे अप्लाई हो रही है ना लॉजिक ये हटा रहा हूँ यहाँ से, सही है। मैं चाह रहा हूँ कि अभी फिलहाल सारे के सारी प्रोडक्ट्स रिटर्न करें, ऊपर वाली लाइन को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो पेजिनेशन की लॉजिक लिखी है ना स्किपिंग और टेकिंग, ये मैं हटा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ अभी सारी प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूँ, सही है। लेट्स लीव इट एज इज, और रिबिल्ड किया मैंने इसको, लेट्स गो बैक हियर, इसको रीलोड करते हैं, जहाँ एक्चुअल सर्विस थी वो मैंने वहाँ से कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अब सारी की सारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब शो होंगे, 11 की 11 शो होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो हमारे पास अब कितनी शो हो रही है, P11 तक शो हो रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार एक हम लाइब्रेरी यूज़ कर लें jQuery की, ठीक है। सबसे मशहूर तरीन लाइब्रेरी है डाटा टेबल्स, ठीक है, जो कि datatables.net के ऊपर आपको मिल जाएगी यहाँ से, सही है। फ्री टू यूज़ है, ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये है कि फ्री टू यूज़ है, कुछ जो है हाँ कुछ टूल्स पेड हैं, जैसे ये डाटा हाँ एडिटर है ये इसका पेड है, ठीक है, कुछ और भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि पेड हैं, लेकिन फॉर द टाइमिंग हम लोग ये एग्जाम्पल भी इन्होंने दी हुई है, देखो ये पूरा वो है, इसके ऊपर इवन सॉर्टिंग भी लग सकती है। अभी राइट नाउ भी हम देखो कि हमारे पास सॉर्टिंग अप्लाई नहीं हुई भी, ठीक है, सॉर्टिंग भी नहीं है, सॉर्टिंग के लिए हमें अलहदा से खुद से लॉजिक पूरी लिखनी पड़ेगी अगर हम चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे ये भी दी हुई सॉर्टिंग के लिए भी दिया हुआ है, अच्छा शो एंट्रीज भी है,
शो एंट्रीज आपने दिखा, हाँ ये बता रहे हैं दो दिखाने हैं 1 to 10 of 57 एंट्रीज, ठीक है। तो ये टोटल भी बता रहे हैं और ये लास्ट से पहुंचेगा, वो कर सकते हैं सेट कर सकते हैं। हाँ टोटल पे पहुंचोगे वापसी फाइनल पेज पे पहुंचोगे तो ये उसको भी डिसेबल कर दिया इन्होंने, प्रीवियस पे आओगे तो वहाँ पर भी इन्होंने पूरा इसको डिसेबल किया हुआ है, ठीक है 1 to 57। अच्छा इसमें भी आगे अब दो रास्ते हैं, मैं चाह रहा हूँ सारी चीज़ें आपको बताते जाऊँ, ठीक है। एक है बिल्कुल ईजीएस्ट वे, पहले वो अप्लाई करते हैं देन हम लोग थोड़े से इसका जो एडवांस फीचर है उसकी तरफ जाएंगे। ईजीएस्ट वे क्या है सबसे पहले, अच्छा इन्होंने ये दिए हुए कि ये इंक्लूड दीज टू फाइल्स, सिर्फ दो फाइल्स इंक्लूड करो अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, और उसके ऊपर जिस टेबल पर लगाने। अच्छा अब यहाँ पर आते हैं, पहले तो ये काम करते हैं, पहली चीज़ है सीएसएस, ठीक है। सो वी नीड टू हैव अ सीएसएस टैग, प्रोडक्ट टेबल वाले पे आते हैं ये रहा, सही है। और यहाँ पर हमने इंक्लूड कर दी सीएसएस, ठीक है। सीएसएस के लिए हम बनाते हैं लिंक, लिंक क्यों बनाते हैं याद है, ये देखो हमारे पास जो हमारा पेज है ना इसमें अगर मैं कंट्रोल यू करता हूँ तो यहाँ पर देखो जो सीएसएस वाली फाइल्स होती है ना उनको हम एज अ लिंक ऐड करते हैं अपने पास हेडर में, ठीक है लिंक। तो सिंपल यही काम हम कर रहे हैं, इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से इधर आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सोर्स जो है मैं फिलहाल लोकल नहीं दे रहा, मैं जो इन्होंने ऑलरेडी सीडीएन बनाया हुआ है मैं इसी को सोर्स दे रहा हूँ, ठीक है कॉपी। और इधर मैंने ला के एचरेफ की जगह पे उसको कर दिया पेस्ट, दैट्स इट, ठीक है। एक तो ये लिंक ऐड करना था, सेकंड हमने ऐड करना है जेएस, ठीक है लाइब्रेरी जो है इनकी, तो उसको हमारे लिए स्क्रिप्ट, नहीं स्क्रिप्ट नहीं स्क्रिप्ट ही होगी, हाँ आई थिंक सोर्स, एक मिनट रुको जरा, हमने स्क्रिप्ट SRC, हाँ SRC देने में आ क्यों नहीं रहा ये SR, हाँ आ गया, ठीक है। इधर आते हैं और यहाँ पर आके जो इनकी सेकंड लाइब JS लाइब्रेरी है कॉपी, इसको हमने कर दिया ऐड, ठीक है ये कर दिया। अभी कुछ भी नहीं होगा अगर मैं इसको रीलोड करूँगा अपने पेज पे, हमारे पास कुछ नया परफॉर्म नहीं हुआ है, कुछ वो नहीं हुआ, जस्ट खाली दो CDN जो डेटा टेबल्स की लाइब्रेरीज हैं वो ऐड करनी है। अब हमें उसको स्पेसिफिकली बताना है कि ये जो टेबल है ना इसके ऊपर आपने अप्लाई करनी है डेटा टेबल्स। सो ये बताओ कि हमने इस टेबल का नाम क्या रखा हुआ है, इस टेबल का नाम आईडी असाइन की हुई हमने इसको, कोई आईडी असाइन नहीं की हुई, ठीक है। तो सबसे पहले तो इधर आते हैं, हमारे टेबल को हम आईडी असाइन करते हैं, ठीक है दिस इज़ आवर टेबल, सो लेट्स गिव इट अ नाइस आईडी लाइक प्रोडक्ट्स टेबल, प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है दैट्स इट। और अब हम आते हैं अपने पास स्क्रिप्ट में, और स्क्रिप्ट में हमने कोई डॉक्यूमेंट रेडी बनाया हुआ ऑलरेडी नहीं बनाया हुआ, चलो छोड़ दो ऐसे ही सही है, सही है। यहाँ पर आके हमने अप्लाई किया सिंपल सा दो लाइनों का काम, अगर मैं यही कर दूँ डायरेक्टली क्या होता है, एक लाइन का बोल के ये मैं आपको बताऊंगा इसको टेबल की आईडी, टेबल की आईडी क्या है प्रोडक्ट्स, पी बड़ा है उसका, पी कैपिटल है वही देख रहा हूँ, प्रोडक्ट्स टेबल, ठीक है डॉट डाटा टेबल सेव, गो हेयर एंड रीलोड, होपफुली दैट लाइन शुड रन आफ्टर डॉक्यूमेंट रेडी, यप देयर वी गो। अब ये बताओ इसमें देखो पेज रेशन भी लग गई है, फर्स्ट 10 रिकॉर्ड शो कर रहा है, देन उसके बाद नेक्स्ट पेज आ रहा है, जा रहा है नेक्स्ट पेज पे, प्रीवियस और नेक्स्ट, और यहाँ से स्टार्टिंग में 9 प्रोडक्ट, अच्छा वो तो हटा दिया था, हाँ ये देखो ना सही है, और सॉर्टिंग भी देखो सॉर्टेड भी हुई है, सही है असेंडिंग डिसेंडिंग, और बिल्कुल सारी फंक्शनलिटीज उसी तरह जिस तरह पहले हमारी वाली है। इवन कि यहाँ पे देखो इन्होंने सर्च भी ना यहीं पे पेज पे दे दिया, अभी हम लोग सर्च करते हैं, हम लोग सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं, देखो मैं अगर मैन सर्च करता हूँ और न्यू कर दिया सर्च, ठीक है तो ये रिक्वेस्ट कहाँ गई है, ये सर्वर पे गई है रिक्वेस्ट, ठीक है। जबकि ये इन्होंने अगर मैं इसमें करता हूँ, मैं लेट्स सपोज इसको वापसी रिटर्न करता हूँ रीसेट, सही है। यहाँ पर देखो मैं सर्च अब परफॉर्म करूँगा P1, ठीक है ऑन पेज हो रही है, ऑन पेज ही हो रही है। अब ये बताओ ये इस यहाँ तक की लॉजिक समझ आई, मैंने यहाँ पे भी क्या किया है, ये था ईजीएस्ट पे, ठीक है डाटा टेबल्स का ईजीएस्ट वे, दो तरीके हैं डाटा टेबल्स में भी, ईजीएस्ट वे ये था कि हमने ऑन पेज ही बस सिंपल यहाँ पे जो पहली पेज जनरेशन थी वो हटा दी, सिंपल हमने क्या किया है जितने भी रिकॉर्ड्स थे डाटा बेस थे वो सारे ले आए, ठीक है ये कहाँ ये रहा,
इस फॉर्म में देखो हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, 10 रिकॉर्ड थे, 20 रिकॉर्ड थे, जितने भी थे या 1 लाख थे, सारे रिकॉर्ड्स ले आए हैं, वो हमने यहाँ पे रेंडर करवा दिए फॉर ईच के थ्रू। एंड देन आफ्टर डैट हमने सिंपल बस प्रोडक्ट टेबल के ऊपर डाटा टेबल अप्लाई कर दिया। डाटा टेबल अप्लाई करने के लिए हमें उसकी पहले लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ी, वो हमने कर दिए, ठीक है। ये करने से हमारा काम हो गया परफेक्टली, जो भी सॉर्टिंग सर्चिंग मर्चिंग जो भी लगानी वो होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कैन यू टेल मी व्हाट द ड्रॉबैक इज? ये मतलब CDN है ना, लाइव चल रहा है। CDN को भी छोड़ दो, CDN इज नॉट अ CDN, ये बेसिकली CDN की बात करें, CDN ये जो हमने ये जो इंक्लूड किए हैं लाइब्रेरीज ये, ठीक है, ये CDN बेसिकली होते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है, जो कि इन्होंने ऑलरेडी ये jQuery की लाइब्रेरीज और ये स्टाइल वगैरह होस्ट की हुई है अपने पास। आप सिंपल इसको अपने पास यूज़ कर लो, अपने पास लिंक कर लो इसको डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली उसको लिंक कर लो अपने पास, तो वो यूज़ होंगे हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए इसमें एक इशू जो बनता है वो ये है कि ये हमारे पास आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ताकि जब भी आप इसको चेक करोगे तो वो ऑब्वियसली फिर इंटरनेट से ही चेक करके लेके आएंगे उसको। अदरवाइज़ जो अच्छा तरीका है कि वो आप इसको अपने पास लोकली ये जो कंटेंट का फोल्डर है, कंटेंट में जो जावास्क्रिप्ट है वहाँ पे, या अपने पास जो भी कोई हाँ स्टाइल शीट में डाल दो और जावास्क्रिप्ट में डाल दो उसकी, ठीक है, और उसको फिर यहाँ पे लोकली वो लिंक करो, ठीक है। एक तो ये है, लेकिन राइट नाउ दैट इज़ नॉट अवर इशू, ठीक है, अवर इशू इज समथिंग एल्स। कैन यू फिगर आउट CSS? वो तो खैर चलो हटाना पड़ेगा, वो उसको भी इतना बड़ा इशू नहीं है। जो इशू है वो क्या है, वो ये है, मैंने देखो बताया हमने सारी की सारी प्रोडक्ट शो करवा दिए हैं। अगर हमारे पास 1 लाख प्रोडक्ट्स हुई तो हम 1 लाख प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं ना। यहाँ से देखो मैंने अभी पेज वो हटा दिया, तो कमेंट आउट कर दिया, यहाँ से सारी प्रोडक्ट्स लेके आ रहा हूँ जिस तरह पहले चल रहा था, सबसे पहले वही मैंने पूरी प्रोडक्ट्स लेके आए, ठीक है, सारी की सारी प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आए। 1 लाख प्रोडक्ट्स होंगी या इससे ज़्यादा होंगी, तो उसके सैनरी में ये होगा सारी यहाँ पर आ जाएंगी, सबको मुझे लाना पड़ेगा। आफ्टर डैट हम अप्लाई करेंगे डेटा टेबल्स, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, जो हमारा पेज होगा वो रीलोड होगा, बहुत टाइम लगेगा, रेंडर होने में भी टाइम लेगा, और दूसरा है कि वो बहुत भाग भी जाएगा, सही है। डेटा टेबल्स तो परफेक्टली उस पर काम करेगा, मतलब लाख रिकॉर्ड हैं, जितने मर्जी रिकॉर्ड हैं वो लेके आएगा, लेकिन ये कि हमारे पास वो जो पेज है वो भारी हो जाएगा। इसका डेटा टेबल्स वालों ने ये दिया है कि आप ना इनकी, मतलब ये तो था अभी सिंपल हमने पेज की साइड पे काम किया, कंट्रोलर साइड पे कोई भी काम नहीं किया, ठीक है। इसमें एक और होता है जहाँ पे आपको सर्वर साइड पे भी ना इनका काम करना होता है, और बस फ्रंट एंड पे थोड़ा सा और काम करो जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, थोड़ा सा अगर यहाँ पे कहीं मिल जाए मुझे, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। उसमें ये होता है कि आपको कंट्रोलर साइड भी थोड़ा सा कुछ पैरामीटर, जैसे पेज नंबर हमने लिया होता, जैसे पेज नंबर लेना होगा, पेज साइज लेना होगा, ठीक है, एक API बनानी पड़ेगी, उस API से आपको डाटा ला के, वो जो एग्जांपल मैंने जो तुम लोगों को दिखाई थी ना, वो जो उस बंदे ने अप्लाई किया जो सेल हुई उसकी, वो उसने उसके अंदर दोनों अप्लाई किए हैं, फ्रंट एंड भी अप्लाई करके दिखाई हुई और बैक एंड सर्वर से भी जो डाटा लेके आ रहा है वो भी दिखाया है उसके अंदर, ठीक है। सो ये मतलब अगर आपको डाटा टेबल्स ही अप्लाई करनी पड़े, अगर आपको लगता है तो फिर आपको इसको थोड़ा सा निकाल के देखना पड़ेगा कि यार डाटा टेबल्स की जो सर्वर साइड है ना वो किस तरह अप्लाई होती है। सर्वर साइड, ये देखो सर्वर साइड प्रोसेसिंग, यहाँ पे आपको ना पूरी डाटा टेबल्स की मिल जाएगी कि क्या क्या पैरामीटर्स मिलते हैं जो कि आपको अप्लाई करने पड़ेंगे सर्वर साइड पे। डॉट नेट के बहुत एग्जांपल तुम्हें मिल जाएगी, देखो URL उसमें भी क्या होते हैं, एजेक्स रिक्वेस्ट जाती है इस तरह से सर्वर साइड पे, और उधर से जो रिस्पॉन्स आते हैं वो लोग फिर उसको पेज बाई पेज दिखाते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी एक दो जगह पे इस तरह सर्वर साइड भी अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ लॉजिक चला जाएगा, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगा। बस मैं बताना ये चाह रहा हूँ राइट नाउ, अब हमारे रिकॉर्ड हमारे प्रोजेक्ट में तो ये डेटा टेबल्स बिल्कुल सही से काम करेगी, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड इतने ज़्यादा नहीं होंगे, हम लोग वैसे भी लर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट में काम डेटा टेबल्स ऑन द फ्रंट एंड साइड इस गोना वर्क परफेक्टली। बट फॉर योर नॉलेज आई वॉज गोइंग टू टेल कि इस तरह का सर्वर साइड भी हो सकता है काम, ठीक है। अगर कभी इस तरह लाइव में सिनेरियो आए तो वहाँ पे कोशिश ये करना कि सर्वर साइड के ऊपर हैंडल करना। अच्छा, ये किस तरह, मतलब थोड़ा सा एक कोई वेरिएबल यूज करके दिखा देना कि ऐसे यूज होगा पीछे, क्योंकि मैं ये यूज किया मैंने डायरेक्ट टेबल, लेकिन मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड उठाता फ्रंट एंड साइड पे जिस तरह अभी हमने यूज किया, ऐसे ही। हां, एक मिनट रुको, उसमें ये कि उसमें टाइम लगता है, और मेरे पास तो डॉक्टर्स का डेटा होता है ठीक ठाक, 2.5 लाख मुझे पता है। टेबल्स डॉट नेट Mm-hmm.
अच्छा हमारा वो मतलब डेटा का काम होता है इस तरह की चीजें, डेटा टेबल हो गया, वो जो मैं बता रहा था पिवट टेबल, इस तरह की लाइब्रेरी, एक जे टेबल। देखो पहले तो ये बंदा ये सारे वही एंटिटी बना रहे हैं, एंटिटी बनाने के बाद उसने सारा ये इस तरफ का काम किया, कॉन्टेक्स्ट वगैरह बना दी एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू, सारा कुछ बना के नीचे आते हैं, यहाँ पे उसने टेबल बना दिया। अब टेबल में ये बनाते वक्त ना, टेबल बनाते वक्त सिंपल ना ये अंदर रेंडर नहीं करवाएगा, ये जो काम होता है ना अंदर का काम, जहाँ पे हमने फॉर ईच वगैरह लगा रखी है, ये लॉजिक लगा रखी है, टी बॉडी एम्प्टी रखते हैं उसके अंदर, ये देखो यहाँ पे हेड, उसको टी हेड सिर्फ बनाते हैं, टी हेड के अंदर इसी तरह से यही जो हमारे हेडर हैं ये सारे बता दिए। देन आफ्टर डैट यहाँ पे देखो डेटा टेबल अप्लाई करती है, डेटा टेबल के अंदर यहाँ पे ना एजेक्स वेजेस लगाएगा नीचे, ये रहे प्रोसेसिंग करनी है ट्रू, सर्वर साइड ट्रू कर देना है, फिल्टर वगैरह, फिर उसके बाद नीचे ये एजेक्स रिक्वेस्ट भेजनी है। ये पूरी एग्जाम्पल इस जो तुम कह रहे हो ना कि एक थोड़ा सा दिखा दें, वो एक नहीं बनाना पड़ेगा मुझे, जाके पहले एक कंट्रोलर में एक्शन बनाना पड़ेगा, वहाँ से मुझे जेसन रिटर्न करानी पड़ेगी, मतलब पूरा इनका की कोड लिखा हुआ है वो मुझे करना पड़ेगा, वो फिर उसमें थोड़ा सा लंबा टाइम निकल जाएगा। ये देखो यहाँ पर आओगे एजेक्स रिक्वेस्ट, वो भी पूरा उसी अंदर हम बताते हैं, डाटा टेबल्स का ये जो फंक्शन है ना एजेक्स, उसका यू आर एल जो हिट करना है वो भी बताना है, डाटा टाइप पोस्ट वगैरह जो भी हम लोग अभी तक करते हैं, फिर कॉलम डेफिनेशन भी साथ में बतानी है, कॉलम्स के अंदर भी बताना है ये सारा काम। देन जब इसका बनेगा ना, ये देख लो काफ़ी थोड़ा सा बस लॉजिकली बड़ा है हमारे, मेरे पास इससे जो अगर तुम्हें खुद से परफॉर्म करनी है सारे काम, पेजिनेशन भी खुद से हो जाए, सर्चिंग भी खुद से हो जाए, उसके लिए मैं अपना यूज़ करता हूँ नॉर्मली अपने छोटे लर्निंग वाइज ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर तुम चाह रहे हो कि यार प्रोडक्शन में जाए, मतलब बड़े प्रोडक्ट में बड़े प्रोडक्ट में जाए, वहाँ पर तुम ये मैं बल्कि एक काम करता हूँ, ये भी साथ में ना उसमें कोर्स करते हुए लिंक बिठा देता हूँ तुम्हारे पास आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये बताओ कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन वगैरह लग रही है, आज हमने क्या क्या परफॉर्म किया? सबसे पहले तो आज हमने सिंगल टर्म को देखा है, ठीक है, सिंगल टर्न के बाद हमने देखा है कि किस तरह से खुद पेजिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, सबसे पहला काम ये करेंगे पेजर अप्लाई करेंगे, पेजर बेसिकली ये जो हमने लॉजिक खुद से पूरी लिखी है ना, ये जो नेक्स्ट बटन और प्रीवियस बटन, इसी को लेके चलेंगे साथ, हाँ इसी को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर देंगे। राइट नाउ यू कैन सी दैट प्रीवियस बटन में तो हमने हैंडल कर लिया, वो तो ईजी था, हमारा ऑलरेडी पता है पेज नंबर वन था, तो हमने प्रीवियस बटन को हटा कर दिया, लेकिन नेक्स्ट के सिनेरियो में वहाँ पे मसला आ रहा है, कुछ बग आ रहे हैं। और दूसरा हम ये चाह रहे हैं कि गूगल टैब हमारी सर्चिंग हो सके, ठीक है, सो इसको हम नेक्स्ट इंशाल्लाह सेशन के अंदर पहला टॉपिक हमारा ये होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? शुड वी कंटिन्यू और एंड अवर वीडियो?